दिल्ली वालों के लिए इस बार की दिवाली पहले से ही मुसीबतों का पहाड़ लेकर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने तो पटाखे पर बैन लगा दिया है, फिर भी यहाँ की आबो हवा में प्रदूषण का लेवल इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। दिवाली के एक दिन पहले ही कई स्थानों पर दिल्ली की हवा में इतना जहर घुल चुका है कि वह जानलेवा बन गई है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वायु गुणवत्ता की निगरानी करने वाली प्रणाली सफर के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में इस समय मथुरा रोड, लोदी रोड, पूसा, दिल्ली विश्वविद्यालय और पीतमपुरा में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब स्तर पर पहुंच चुकी है, जबकि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3, अयंग्यार, धीरपुर और पड़ोसी इलाके नोएडा और गुड़गांव में स्थिति खराब है। बुधवार को दिल्ली की हवा में प्रति घन मीटर 200 माइक्रोग्राम PM2.5 प्रदूषक तत्व दर्ज किए गए। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन की सेफ लिमिट से 8 गुना ज्यादा है। 25 माइक्रोग्राम को सेफ लिमिट माना जाता है। अधिकारियों का कहना है कि अगर हवा की गुणवत्ता और खराब होती है तो ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए समुचित प्रबंध किए गए हैं। पिछले साल दिल्ली में हवा की गुणवत्ता का स्तर बेहद खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया था, जिसके कारण सरकार को स्कूलों को बंद करने और निर्माण कार्यों पर रोक लगाने जैसे उपाय करने पड़े थे। EPCA के अनुसार अगर इस बार भी पार्टिकुलेट मैटर बेहद खतरनाक स्तर 2.5 पर पहुंच जाता है तो फिर कुछ और सख्त उपाय करने पड़ेंगे, जिसमें निर्माण गतिविधियों पर रोक तथा ऑड इवन प्रणाली लागू करने जैसे कदम उठाने पड़ सकते हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार मौजूदा हालात को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दिल्ली में पटाखों की बिक्री पर रोक का कदम बिल्कुल सही है। अगर अभी वायु प्रदूषण की यह हालत है तो पटाखे जलने के बाद ना जाने क्या हो जाता, दिल्ली में सांस लेना भी दुभर हो सकता है। दिव्य लाइफ की रिपोर्ट।